कर रखा है, और इसमें आगे की तरफ फिंगर होता है, ये फिंगर है इसमें, और ये आईसी आप देख रहे हो, ये फिंगर सेंसर है इसका, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये इसकी ओजी डिस्प्ले है, ये आप देख सकते हो ओजी डिस्प्ले है ये इसकी, ठीक है। तो इसमें यहाँ से फिंगर सेंस होके तो इधर फिंगर अपना वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो हम बाज़ार से जो कॉपी फोल्डर लाएंगे, चाहे वो आप ओरिजिनल लिया हो चाहे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक सिंह रसगोन, और मैं आज आपको अपने चैनल टिप्स चैनल पर आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जैसे ये ओप्पो का K1 मॉडल है, ये आप देख सकते हो K1 मॉडल, मैंने इसको ओपन कर रखा है, और इसमें आगे की तरफ फिंगर होता है, ये फिंगर है इसमें, और ये आईसी आप देख रहे हो, ये फिंगर सेंसर है इसका, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये इसकी ओजी डिस्प्ले है, ये आप देख सकते हो ओजी डिस्प्ले है ये इसकी, ठीक है। तो इसमें यहाँ से फिंगर सेंस होके तो इधर फिंगर अपना वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो हम बाज़ार से जो कॉपी फोल्डर लाएंगे, चाहे वो आप ओरिजिनल लिया हो चाहे कॉपी लिया हो, आपका फिंगर वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, आप इस चक्कर में मत पड़ना कि ये ओजी फोल्डर है इसमें अपना फिंगर काम करेगा, ये कॉपी है इसमें फिंगर काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हम केयर में जाते हैं तो केयर में एक क्या है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं, तो उससे अपना फिंगर वर्क करता है और वो डिस्प्ले लगा के देते हैं। तो आप मार्केट से कभी भी बाय करो कोई भी ऐसे आगे के फ़ोन की अगर कभी भी आप डिस्प्ले अगर बाय करते हो तो आप सीधा ही क्या है कॉपी ही ले लेना, उसमें फिंगर वर्क नहीं करेगा, बट आपका काम हो जाएगा, वो आपको 2200-2500 के समथिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।